आज सुबह सुबह मैं चला रही हूँ आग। सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की, चूल्हा चला के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सुशीला शाम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है, आज शिवरात्रि से पहले का दिन है, 7 तारीख है। तो कल 8 को शिवरात्रि है, वैसे तो आज भी होती है लोगों की, 2 दिन की शिवरात्रि होती है, तो हमारे 1 दिन की होती है। तो आज 7 को मैं उर्द पीस रही हूँ, तो आज घर का ही ब्लॉग रहेगा, साफ सफाई, और ये देखते हैं सारा दिन भर जो भी होगा वो दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मेरी वीडियो स्किप मत कीजिए प्लीज़। वीडियो को एड के साथ देखिए, नहीं तो मेरी वीडियो मत खोलिए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करते हो ऐड या कुछ, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मैंने इस घड़े में डाले थे ये उर्द भीगने को। तो शिवरात्रि आ रही, जैसे कि आपको पता है कि शिवरात्रि आ रही, तो बड़े बनते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ों में बहुत। तो मैंने इतनी सारी उर्द डाली है, अब इनको छिलके से और दाने को छिलके से अलग करना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए, मैंने उर्द पीसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली पीछे से, मतलब मेरे हस्बैंड मोबाइल देख रहे थे तो उसमें सॉन्ग बना रहे थे, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक था और बैकग्राउंड में मतलब बहुत सारा शोर था, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो मैं आज उर्द पीस रही हूँ। पहले तो इसके छिलके निकालते हम इस तरह से, बहुत सारा काम होता है शिवरात्रि के टाइम, और फिर खेत भी जाना पड़ता है। खेत में भी आजकल बहुत काम चला है, तो जैसे कि आपको पता है मैं हर वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से छिलके निकालने के लिए हम मशीन को इस तरह से इसके आगे का खोल के फिर इस तरह से करते हैं, ताकि ये छिलके निकल जाए, इसके 2 भाग हो जाए उड़द के। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैं सुबह उठ के ही ये काम किया। सबसे पहले आग जलाई, फिर ये काम किया। बहुत काम रहता है घर में, क्या करे। मैं सोचा चलो दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हो गया है उर्द, 2 भाग हो चुके हैं इसके और छिलके अलग हो गए, फिर इनको अब धोना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं अब जो रसोई में काम बचा था झाड़ू झूड़ का वो कर रही हूँ। उर्द तो मैंने छिलके निकाल दिए, देखिए कितनी डस्ट है। मैंने यहाँ से भी सारे मैट उठाए थे, मैट धोने पड़ेंगे, तो बहुत डस्ट थी। मैंने सोचा पहले रसोई साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल गंद मचा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा धूल ही धूल थी। तो आज मैं घर की क्लीनिंग ही करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी खेत, वो ब्लॉग अलग से दिखाऊँगी। मेरे किचन के मैट मैं धोने के लिए ले आई हूँ, किचन के मैट ये भी धोने हैं, क्योंकि मैट वैसे धुलते नहीं है पर किचन में धुलने पड़ते, क्योंकि इस पे ना कुछ तो कुछ गिरा रहता है। ये देखिए अब मैट धोने को है, तो मैं यही धोऊंगी। मैं बावड़ी के पास नहीं ले गई मैट को ना, यही से धोऊंगी। देखो मैं अब उसी को इस तरह से धो रही हूँ, इसमें से ना इस तरह के छिलके निकल रहे हैं। ये देखिए छिलके कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, मैं सेल्फ सर्विस कर रही हूँ।
तरफ निकाल दूँ। गौरा जी भोले ने मेरे भोले जी है धरती सजे। ये देखिए कितना निकल रहा है। तो गाइस मैंने उर्द पीस लिए है, अब इनको ना इस तरह से हाथ से मसलना पड़ेगा, इस तरह से फिर हल्की हो गई, फिर बड़े बनाने के लिए इजी हो गए और अच्छे भी फूलेंगे। तो मैं इसमें मसाला कल सुबह ही डालूंगी, नहीं तो ख़राब भी हो सकते हैं ना, बासी हो जाएंगे। तो गाइस अब नहा के फ्री हुई एक सारे काम से, देखो बाल भी गिले हैं, तो अब खेत जाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं जैकेट पहन लेती हूँ ना, बहुत ठंड है आज। तो गाइस ये देखिए मैंने जैकेट पहन लिया, बहुत ठंड है आज। तो अब चलते हैं खेत की तरफ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।